हेलो बेटा, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। इस क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्या करेंगे बेटा, आज के लेक्चर में हमारा एक नया पोर्शन शुरू होगा। और इस नए पोर्शन के अंदर जो हमने लास्ट लेक्चर में चीज़ों को छोड़ा था ना, उन चीज़ों को हम लोग आगे फिनिश ऑफ करेंगे, उन चीज़ों को हम आगे लेके जाएंगे और कंप्लीट करेंगे। सिंपल है, आसान है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आपको समझना है, यानी कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनका मतलब अगर आप समझते हैं तो आपके लिए पूरा कंसेप्ट समझना इतना आसान हो जाएगा कि मतलब कोई हिसाब नहीं। देखो ना, अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो लास्ट वाली क्लास में बेटा हमने क्या किया, बोला कि फोटोसिंथेसिस जो है, इस प्रोसेस को हम लोग बांट देते हैं दो हिस्सों में, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। क्या ये स्टेटमेंट सही? देखो ना, इधर हमने बांटा, इसको लिया और दो हिस्सों में बांट दिया, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, डन। अब नेक्स्ट हम लाइट रिएक्शन के ही अभी हिस्से ले रहे हैं, अभी हम लाइट रिएक्शन को ही स्टडी कर रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि लाइट रिएक्शन को लाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें प्रकाश का, लाइट का इस्तेमाल होता है डायरेक्ट। और खुद से दिमाग लगाओ तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं ये ना लाइट सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्प्शन के बाद फिनोमिना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। क्या निकलता है बाहर? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन धीरे 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 आगे इस तरीके से मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलने के दौरान आपने लास्ट क्लास में नॉन साइक्लिक प्रोसेस पढ़ा। एनसीईआरटी में कहते हैं कि सिर्फ साइक्लिक नहीं, नॉन साइक्लिक दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और पूरा सेंटेंस देखना बेटा, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, इतनी बात तो ठीक है, बट इसके आगे एनसीईआरटी एक वर्ड लिखती है, फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं? फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या है फोटो फॉस्फोराइलेशन? इस बात को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनिएगा बेटा। वर्ड है फोटो, और जब भी वर्ड ये फोटो अपने पास आता है, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। एंड नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे है फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है फॉस्फोराइलेशन का मतलब? अगर इस वर्ड को हम ध्यान से समझें, इस वर्ड को अगर हम लोग इस पे फोकस करें, तो फॉस्फोराइलेशन का बेसिक मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फोरस, एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। अब एडिशन ऑफ फॉस्फोरस का मतलब फॉस्फोरस का कहीं पे एडिशन होना। तो जब फॉस्फोरिलेशन में एडिशन ऑफ फॉस्फोरस करते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर एडीपी होता है, और एडीपी हमारे पास पड़ा है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, पहले से कहीं पड़ा। इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, फॉस्फोरस को जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फॉस्फोरस को जोड़ रहे हैं। तो एडीपी के अंदर हम लोग पी आई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको जोड़ दे रहे हैं। और इसको जोड़ने के बाद, यानी एडीपी के अंदर आपने फॉस्फोरस जोड़ा, और जोड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बना उसको कहते हैं एटीपी। नाम देखो, एडिनोसिन डाई, डाई मतलब दो, फॉस्फेट और फॉस्फोरस इसमें अगर आप जोड़ दोगे तो बन जाएगा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्लियर हुआ कंसेप्ट? बेसिक क्या है? फॉस्फोरिलेशन वर्ड है, इसका मतलब है फॉस्फोरस का एडिशन होना। फॉस्फोरिलेशन का मतलब, इतना बड़ा जो फॉस्फोरिलेशन लिख दिया है, इसका मतलब है फॉस्फोरस का एडिशन होना। फॉस्फोराइलेशन अलग अलग तरीके का हो सकता है, मतलब दुनिया में अगर किसी रिएक्शन में फॉस्फोरस जुड़ रहा है तो फॉस्फोराइलेशन, मैं सीधा बात बोलूंगा, ये कंसेप्ट समझ आए। अब अलग अलग रिएक्शन में से क्या ये भी एक फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है? तो इसका स्टेटमेंट कहेंगे यस, एक फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में किसका, देखो यहाँ पे फॉस्फोरस की एडिशन हो रही है। बोलो बात क्लियर हुई? अच्छे से बात क्लियर होगी ना अपने को, यहाँ पे फॉस्फोरस की एडिशन हो रही है एडीपी के साथ, तभी तो एटीपी बन। तो इसीलिए एज फार एज बायो इज कन्फर्म, मतलब अगर हम बायो की कंसर्न की बायो की बात करते हैं, 99% केसेस आपके सिलेबस में अगर कहीं पे वर्ड है फॉस्फोराइलेशन तो इसका मतलब है एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडिशन ऑफ फॉस्फोरस एडीपी टू फॉर्म एटीपी, यानी एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी का बनना फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। कंसेप्ट समझाया मैंने बहुत इलैबोरेट करके, लेकिन सबसे सिंपल वर्ड अगर कोई इसको समझाता है ना, तो कोई बोलता है फॉस्फोराइलेशन मतलब बेटा एटीपी का फॉर्मेशन,
क्यों, ये मैंने तुम्हें समझा दिया, इसके पीछे का कंसेप्ट समझा दिया। तो अगर कभी क्वेश्चन किसी और तरीके से भी एटीपी के अलावा किसी और चीज़ की फॉर्मेशन पे भी क्वेश्चन आता है ना, तो तुम बच्चे आसानी से समझ पाओगे, अप्रोच कर पाओगे उस स्टेटमेंट को, इस क्वेश्चन को। बोलो बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हमने यहाँ पे साइक्लिक या नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की बात करनी थी, तो इसको हम आगे बढ़ते जरा फोकस करो फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो अभी के लिए मैं मान के रख रहा हूँ फॉस्फोरिलेशन एटीपी का फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे देख सिलेबस में बेटा फॉस्फोराइलेशन आप मल्टीपल जगह पढ़ते हो, बहुत अलग अलग जगह पढ़ते हो फॉस्फोराइलेशन। तो ये जब अलग अलग जगह आप फॉस्फोरिलेशन पढ़ रहे हैं तो ये आपके पास कैसी हो सकती है, ये हो सकती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक टाइप की फॉस्फोरिलेशन, बता रहा हूँ टाइप्स बता रहा हूँ, फोकस करते रहना। दूसरा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और तीसरा फोटो फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव सबस्ट्रेट लेवल फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये तीन टाइप की फॉस्फोराइलेशन। कहाँ पढ़ते हैं आप अपने सिलेबस में पढ़ते हैं बेटा ऑक्सीडेटिव एंड सबस्ट्रेट लेवल, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं, इस चैप्टर में हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या है कि इसमें 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 तीनों में एटीपी बन रहा है, इन दोनों में बनने का तरीका अलग, यहाँ पे बनने का तरीका अलग, और यहाँ पे वर्ड फोटो पे फोकस किया गया। और समझाने वाली बात यह है कि अगर कहीं फोटो लग जाए यानी लाइट है, और अगर लाइट है तो दैट मीन्स मैं कहूँगा इस चैप्टर में एटीपी बन रहा है लाइट की मदद से। कैसे कैसे एक एटीपी लाइट की मदद से बन रहा है, ये मुझे इस चैप्टर में स्टडी करना है। समझ पा रहे हो, क्लियर? तो हमने कहा इसको लाइट रिएक्शन को साइक्लिक प्रोसेस, तो पूरा नाम लिखता हूं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब बेटा एक चीज बेटा ध्यान से देखना तो मैं आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। क्या इस एरिया में ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, क्या यहाँ पे ये एटीपी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एटीपी बना है? देखो इधर मैं अगर इस चीज़ को मैं हाईलाइट करूँगा कि आपको यहाँ पे ये एटीपी लाल से इधर एटीपी बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये जिसको मैंने इस तरीके से अभी रेड किया ये एटीपी बना है। तो ये बना हुआ एटीपी ये नॉन साइक्लिक से बना है। अभी मेरा एक स्टेप पेंडिंग है साइक्लिक में कैसे बनता है वो भी समझाऊंगा, लेकिन फॉस्फोरिलेशन कंसेप्ट हम डन हो गए, पक्का डन। इन ये बनने एटीपी और कौन से मैकेनिज्म से, एग्जैक्टली किस मैकेनिज्म से एटीपी बना है ये मैंने अभी डिस्कस अभी पेंडिंग मैंने करना है। अभी के लिए मेरा यहाँ पे कहानी कंसेप्ट पूरा होता है। अब आगे देख हमें यहाँ पे बात करनी है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, सॉरी साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक तो कर चुके हैं, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। बट साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में P700 इन्वॉल्व है, कौन सा इन्वॉल्व है P700, और P700 पे अगर हम लोग फोकस करें तो जो P700 होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा फोटो सिस्टम वन। देखो इधर फोटो सिस्टम वन के पास HMU यानी लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ती है किसी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या निकालता है अपने अंदर से, इलेक्ट्रॉन निकालता है, ये बात हमें समझ आती है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट गिरी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन अपने से बाहर निकाला, इतना डन। इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकाला, निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है। देखो यहाँ से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और इधर ये पहला एक्सेप्टर, इसके बाद वो गया A1 के पास, याद नहीं करना बस सिर्फ देखना, फिर FES के पास, फिर फेराडॉक्सिन के पास, फिर प्लास्टोक्विनोन के पास, याद है PQ हमने तो प्लास्टोक्विनोन को यहाँ पर भी देखा था और इधर भी तो है, इधर आपके पास प्लास्टोक्विनोन आ गया, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F, फिर उसके पास प्लास्टोसियानिन और वापस P700। अब देखो जहां से शुरू हुआ घूम के वहीं पर वापस आ गया, यानी स्टार्ट और एंड दोनों एक ही पॉइंट पे हो रहे हैं, जहां से शुरू हो रहा है वहीं एंड हो रहा है, क्या एक साइक्लिकल पाथ पे मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस प्रोसेस को पूरा साइक्लिक कहा गया, क्योंकि गोल गोल जहां से शुरू हुआ वहीं पर एंड हुआ, ये बात हमारी यहाँ पर डन हो जाती है, ये बात हमारी फिनिश फाइनल क्लियर हो जाती है। यहां तक तो हमें ये कंसेप्ट बेहद आसानी से बेहद
इजी तरीके से ये समझ आता है कंसेप्ट। बोलो बात क्लियर हुई ना बेटा? अगर अपना इतना इतना प्रोसेस पूरा का पूरा फाइनली क्लियर हुआ तो जरा इस प्रोसेस के ना डिटेल्स पे फोकस करो। आपको क्या और क्या चीज़ दिखाई देती है, क्या चीज़ आपको समझ आती है, मैं उस पर जरा आपको फोकस करवाना चाहता हूँ। आपको समझ क्या आ रहा है इस पूरी कहानी से? इस पूरी कहानी से समझने के लिए बेटा आप यहाँ देखिए, हम कहते हैं सर्कुलर मैनर में। क्या सर्कुलर मैनर में पूरा का पूरा गेम चल रहा है? सर्कुलर यानी गोल 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 पूरा का पूरा गेम घूम रहा है। तो इस गेम को घूमते हुए देखो, इस गेम के अंदर जब यहाँ पे इधर ये पी क्यू आ जाता है, प्लास्टो क्यूनोन आ जाता है, तो प्लास्टो क्यूनोन के साथ घूमते हुए यहाँ पे किसी चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, वो क्या है? एटीपी। प्लास्टो क्यूनोन के पास एटीपी बन रहा है, और क्योंकि पूरी की पूरी साइकिल गोल गोल घूम रही थी तो इसलिए साइक्लिक और एटीपी बन रहा है, फॉस्फोराइलेशन बोल दिया गया। अब मेरे तरफ से आपके लिए पहला क्वेश्चन, आपने नॉन साइक्लिक पढ़ा? यस पढ़ा। नॉन साइक्लिक में क्या आपके पास NADPH बनता है? तो आप कहोगे यस। क्या नॉन साइक्लिक में ATP बनता है? तो कहोगे यस। इस प्रोसेस को देखो, अपनी स्क्रीन पे देखो। अब बताओ इस प्रोसेस में कहीं आपको ATP बनते हुए दिखाई दे रहा है? यस बन तो रहा है, प्लास्टोक्विनोन के पास ATP बन रहा है। जिस तरीके से ऊपर समझाया था ना, एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर भी ATP एग्जैक्टली वैसे ही बनता है। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, जिस बात पे अपने को फोकस करना है वो कंसेप्ट क्या है कि एटीपी बेटा जी बन रहा है लेकिन NADPH नहीं बन रहा। ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो नॉन साइक्लिक में NADPH ATP दोनों बनेगा, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बनेगा? ATP ही बनेगा। बोलो बात क्लियर हुई? सिंपल था। तो अगर ये सिंपल था तो इसके साथ की NCERT एसोसिएटेड हम लोग पढ़ डालते हैं। देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस एंड स्टोर दिस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। हम खाना खाते हैं ना, और खाना खाने के बाद हमने ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस खाना गया, स्टमक में गया, डाइजेस्ट हुआ, सेल में गया, ऑक्सीडाइज हुआ, और उससे निकली हुई एनर्जी को हम किस में स्टोर कर देते हैं? ATP में। बॉन्ड्स के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, ATP के फॉर्म में। बेटा आप जब खाना खाते हो ना तो सेल में ग्लूकोज जाता है। अब इन ग्लूकोज की आगे ऑक्सीडेशन होती है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होने के बाद आपके पास फाइनली ATP बनता है। तो आपने ATP के अंदर एनर्जी कैसे किस फॉर्म में स्टोर है? बॉन्ड के अंदर। ATP के अंदर बॉन्ड्स होते हैं। आपने बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ा, आपको दिखाया था ATP का स्ट्रक्चर इस तरीके से हाई एनर्जी बॉन्ड्स बना के दिखाए थे, इनमें एनर्जी स्टोर होती है। स्पेशल सब्सटेंसेज लाइक ATP जिसकी अभी बात करें, स्पेशल सब्सटेंसेज लाइक ATP कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। द प्रोसेस through which ATP is synthesized by cells in mitochondria and in chloroplast is called as phosphorylation. देखो NCERT ने भी इसका chemical structure, chemical nature को phosphorylation को नहीं समझाया, इसने direct बोल दिया कि ATP के बनने के process को हम phosphorylation बोलते हैं। मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बताने का इसलिए रीज़न है कि जब जिस दिन तुम phosphorylation में ATP के अलावा कोई और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कंसेप्ट वहाँ ध्यान आएगा। ATP का सिंथेसाइज सेल के अंदर कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर सारा रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे ATP क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसाइज हो रहा है भैया, इतना समझ पा रहे हो? फोटो फॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस है इसलिए वर्ड क्या यूज कर दिया आपने? फोटो। इतना आता है अपने को? यस। व्हेन द टू फोटो सिस्टम्स work in a series, first PS2 and then PS1, the process is called non-cyclic photophosphorylation occurs. देखो इधर, यहाँ पे photosystems एक series में काम कर रहे हैं। पहला photosystem काम करने वाला इधर अपने पास PS2 है, PS2 ने काम किया और series में यानी कुछ देर बाद आपके बराबर यहाँ पे PS1 भी काम कर रहा है, यानी PS2 और PS1 मिलके काम कर रहे हैं। तब एक के बाद एक सीरीज में जब एक काम कर रहे हैं, तो ये दोनों सीरीज में जब काम कर रहे हैं तो बेटा इस वाले सिस्टम को हम लोग टर्म कर देते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या टर्म कर देते हैं? नॉन साइक्लिक। कहते हैं व्हेन टू फोटो सिस्टम्स वर्क इन अ सीरीज, एक के बाद एक काम करते हैं, तो फर्स्ट PS2 हमें मालूम है P680 एंड देन PS1 P700, अ प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर्स। The two photosystems are connected through an electron transport chain as seen earlier. Yes,
हम इधर देखते हैं, ये दोनों फोटो सिस्टम्स में एक फोटो सिस्टम ये, दूसरा फोटो सिस्टम ये, और ये दोनों किसकी मदद से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको मैं इस तरीके से गोल गोल बना रहा हूँ, इसकी मदद से जुड़े हुए हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मतलब अगर तुम्हें समझ आ गया ना बेटा, तो तुम्हारे नीट निकल गया, बस ये मेरी बात मान के रखना। मेरा जब से बैच शुरू हुआ है, एक पूरा स्टार्टिंग से पर्पस, एक मेरा स्टार्टिंग से हमेशा एफर्ट रहा है कि मैं तुम्हें एनसीईआरटी की एक एक लाइन का एक एक शब्द क्लियर कर दूँ। कुछ जगह एनसीईआरटी गलत बोलते हैं, वो आपको बता दूँ। कुछ जगह जैसे ऊपर अभी आपको बताया डाउन हिल वाले के अंदर, एनसीईआरटी उस लाइन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। अगर मेरी क्लास में कही हुई बात को आपने फुल अटेंटिव दिमाग से अप्रोच कर लिया, समझ लिया, देख लिया, तुम लोग कभी नहीं फंसोगे, हमेशा बेहद आसानी से बेहद सिंपल तरीके से तुम्हारा सिलेबस होता जाएगा। देखते रहो, बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। यहाँ पर पूरी लाइन थे, द टू फोटो सिस्टम्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आज सीन अर्लियर इन दी जेड स्कीम। ठीक है, और जेड स्कीम के अंदर नॉन साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक जिसको हम लोग टर्म करते हैं, यहाँ पे बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। डन बेटा, अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। व्हेन ओनली PS1 इज फंक्शनल, ओनली PS1, ओनली P700 इज फंक्शनल, द इलेक्ट्रॉन इज सर्क्यूलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड द फॉस्फोराइलेशन अकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला, साइक्लिक फ्लो हुआ, साइकिल की तरह गोल 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 घूमता गया, और गोल गोल घूमने की वजह से ही आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव करता गया। देखो इलेक्ट्रॉन P700 से निकला, ऊपर गया, और धीरे धीरे नीचे आते आते यहाँ पहुँच गया, फिर यहीं से निकला और क्या, देखो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला वापस उसके पास आ गया। तो क्या इस P700 को इलेक्ट्रॉन, नया इलेक्ट्रॉन लाने के लिए वाटर को तोड़ना पड़ा? नहीं, इसको वाटर को तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसने जो इलेक्ट्रॉन निकाला था घूम के इसके पास वापस आ गया, जो इलेक्ट्रॉन इससे छीन लिया गया था घूम के वापस इसके पास ऐसा आ गया। तो ये साइक्लिक स्कीम है जहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हमें करने की जरूरत ही नहीं है, वाटर को, पानी को हमें लाइट की मदद से, यानी पानी को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, बस लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, जाता है, ETS से निकलता है, जब ETS से निकल रहा होता है तो ADP से ATP बन जाता है, और इस प्रोसेस में वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सिंपल है ना बेटा, यहाँ तक अपने करना। तो व्हेन ओनली PS1 इज फंक्शनल द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड द फॉस्फोराइलेशन अकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड अपने को डन हो रहा है। अ पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज इन द स्ट्रोमा लैमिले। कहाँ हो सकता है ये बेटा? स्ट्रोमा लैमिले में। और इस पॉइंट पे आप लोग, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, और आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपके पास साइक्लिक अपने पास कहाँ मिल रहा है? स्ट्रोमा लैमिले के अंदर। व्हाइल द मेम्ब्रेन और लैमिला ऑफ द ग्रेना हैव बोथ PS1 एंड PS2, द स्ट्रोमा मेम्ब्रेन्स लैक PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। यानी अगर ग्रेना की बात करते हैं तो ग्रेना के अंदर, यहाँ पे मैं बना देता हूँ बेटा, ये ग्रेना है और ये स्ट्रोमा लैमिले। ग्रेना के अंदर PS1 और PS2 ये दोनों मिलते हैं, यहाँ पे लेकिन PS1 ही मिलता है। तो स्ट्रोमा लैमिले में सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ होगा तो वो साइक्लिक हो पाएगा। यहाँ पर आपके पास PS1 PS2 है तो यहाँ नॉन साइक्लिक होता है। इनफैक्ट इस एरिया में साइक्लिक भी हो सकता है, नॉन साइक्लिक भी हो सकता है, बस यहाँ पे अपने पास क्या मिलेगा? साइक्लिक ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रोमा लैमिले में सिर्फ और सिर्फ PS1 मिलता है, और इसके अंदर आपके पास यहाँ पे ग्रेना के अंदर PS1 एंड PS2 यहाँ पे दोनों मिलते हैं। बोलो बात क्लियर हुई? डंडन आडन इफेक्टिवली डन। सो व्हाइल द मेम्ब्रेन ऑफ लैमिला ऑफ ग्रेना हैव बोथ PS1 एंड PS2, द स्ट्रोमा मेम्ब्रेन्स लैक PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। उसके पास NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं है। यानी अगर PS1 अकेला है तो उस PS1 अकेले के साथ NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं, यानी जब अकेला साइक्लिक चलेगा ना तो कभी NADP बन नहीं पाएगा। ठीक है, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास टू NADP बट इज रिसाइकल्ड बैक टू द PS1 कॉम्प्लेक्स। ऊपर वाले केस में इलेक्ट्रॉन फाइनली इसके पास बन गया तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन हो गई, तो इलेक्ट्रॉन जो निकला यहाँ से वो इसके पास पहुँच गया। इस केस के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, किसी के पास फाइनली नहीं पहुँचा, इसके पास वापस खुद आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जब वापस खुद आ गया तो कहीं कंज्यूम नहीं,
किसने अपने पास रख नहीं लिया, वापस जिससे एप्पल छीना था उसको वापस कर दिया, तो इसको नया गुस्सा नहीं आएगा, इसको गुस्से में आके तोड़फोड़, पानी की तोड़फोड़ नहीं मचाने की जरूरत है, समझ गए? The cyclic flow hence results only in the synthesis of ATP but not of NADPH2. बेटा इसको NADPH2 बोलो, काम चलेगा. The cyclic phosphorylation also occurs when only the light of wavelength beyond 680 nanometer are available for excitation. खुद का दिमाग लगाओ. P680 बोलने का मतलब है कि ये जो आपके पास है ना फोटोसिस्टम 2, ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब जब लाइट का वेवलेंथ होगा आपके पास 680 नैनोमीटर. बेटा अगर लाइट का वेवलेंथ अगर आपके पास 700 नैनोमीटर या उससे ऊपर है, उससे नीचे नहीं है, तो 680 वाला अभी एक्साइट ही नहीं होगा, मान के चलना. 680 वाला लाइट सिर्फ तभी निकाल सकता है जब 680 नैनोमीटर मिल जाए उसको. 700 तभी निकाल सकता जब इसको 700 नैनोमीटर मिल जाए. अगर इस 700 वाले को 700 नहीं मिलती, इस 700 वाले को 680 मिलती है, ये तब भी नहीं निकाल सकता. एक 680 वाले को 700 मिलती है तब भी नहीं निकाल सकता. इनको अपनी डेफिनेट वैल्यूज की जितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट चाहिए होती है. तो अगर किसी वक्त जो लाइट आ रही है वो आने वाली लाइट 680 नैनोमीटर से बियॉन्ड हो, कहते हैं ओनली लाइट बियॉन्ड, कहते हैं साइक्लिक ऑल्सो अकर्स वेन ओनली लाइट बियॉन्ड 680. क्योंकि अगर नॉन साइक्लिक कराना है आपको 680 एंड 700 दोनों चाहिए, PS2, PS1. लेकिन अगर आपके पास ओनली 680 से ऊपर यानी 700 तक आपके पास आ रही है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक ही चलेगा. बोलो बात क्लियर हुई? यहाँ तक अपने पास डन हुआ बेटा? अगर यहाँ तक अपने पास डन हुआ तो नेक्स्ट हम प्रोसेस करेंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. देखो ये अब अपना नेक्स्ट हिस्सा है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. हमने ना सीखा और समझा कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक क्या है, फोटोफॉस्फोरिलेशन का एग्जैक्टली मतलब सीखा, और अब अपने को देखना है कि ये एटीपी जो है जो इनडेफिनेट स्टेप्स पे बन रहा था, आपको मैं स्टेप्स सिखा देता हूँ. यहाँ पे जब आपने स्टेप्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास ये साइटोक्रोम BF6 के पास क्लास्ट्रोबियन है उनके पास, इधर नॉन साइक्लिक में, इधर दोबारा साइटोक्रोम B6F और क्लास्ट्रोबियन उनके पास, इधर एटीपी बनता हुआ दिखाई दे रहा. लेकिन बेटा एग्जैक्टली यहाँ एटीपी नहीं बनता. एटीपी कैसे बनता है ये ऑल टुगेदर एक कंसेप्ट है जो हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में देखेंगे. तो क्यों यहाँ पे एटीपी बनता हुआ लिखा है, क्यों एनसीईआरटी के डायग्राम्स में अगर आपको मिलेगा तो आपको अक्सर एनसीईआरटी के डायग्राम्स में आप यहाँ देखिए इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के पास एटीपी बनता हुआ लिखा देता है. क्या रीज़न है, क्या पूरा का पूरा सीन है, क्या पूरी की पूरी कहानी है, क्या कहते हैं? लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट. ये हम समझने की कोशिश करते हैं एटीपी बनता कैसे. पॉइंट बेटा याद रखिएगा, एटीपी कहाँ कहाँ बनता है ये मेरा क्वेश्चन पहला. अगर आपसे कभी क्वेश्चन पेपर में आता है तो हमें बचपन से पढ़ाया गया कि एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बढ़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, सही है. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा भी और जगह होती हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट. इसलिए केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट में हो रही है वो एटीपी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस नाम भी समझा देते हैं. हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि आप एक ना एक थ्योरी दे रहे हो जो अभी तक प्रूव नहीं है. इस तरीके से हाइपोथेसिस होता है. केमी ऑस्मोटिक ये वर्ड थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. केमी मतलब केमिकल, ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस जब होती है बेटा क्या ये हम कहते हैं. ऑस्मोसिस जब होती है तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है वाटर मूवमेंट. क्या होता है? वाटर मूवमेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. यही होता है पानी की मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. यही होगा. तो यहाँ पे केमी ऑस्मोसिस होता है बेसिकली कोई केमिकल, हम किसी केमिकल के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे, वो केमिकल मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ये हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें समझाता है, हमें बताता है. समझिए Let us now try and understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast
the chemiosmotic hypothesis has been put forward to explain this mechanism. Okay. Like in respiration, jaise respiration mein hota hai, वैसे फोटोसिंथेसिस में भी इन फोटोसिंथेसिस टू फोटोसिंथेसिस टू एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन. ये लाइन सिंपल, इस लाइन में कहता हूँ कि बेटा अगर आपके पास रेस्पिरेशन, सांस लिया, सांस अब ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के पास गया, सेल्स ने खाना, सेल्स के पास ग्लूकोज आया था डाइजेशन के थ्रू, तो डाइजेशन के थ्रू जो ग्लूकोज आता है उसको आगे रिएक्ट करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ और एटीपी बनाया जाता है. तो ये प्रोसेस रेस्पिरेशन का था और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, एटीपी बनाने के प्रोसेस में प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है. क्या किया जाता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट. बेटा ग्रेडियंट तो हमें मालूम है क्या होता है, प्रोटॉन बेसिकली एच पॉजिटिव को हम लोग प्रोटॉन बोल सकते हैं. तो ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि आपके पास एक मेम्ब्रेन है, अक्रॉस मेम्ब्रेन, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की एक तरफ एक हिस्सा हाई कॉन्सेंट्रेशन हुआ और मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन हुआ. आपके पास मुझे इस तरीके से लिखना चाहिए, एक जगह हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, एक जगह आपके पास लो कॉन्सेंट्रेशन. ये यहाँ पे एच पॉजिटिव एक तरफ बहुत ज़्यादा होंगे और एच पॉजिटिव एक तरफ बहुत कम होंगे. तो आपके पास जाहिर सी बात है मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ होगी, समझ लो सही. ये काम रेस्पिरेशन में भी होता है और फोटोसिंथेसिस में भी होता है. दैट मीन्स अ डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन. यहाँ पर हम ये प्रोसेस कैसे होता है समझेंगे. दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलाकॉइड. यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है जिसके अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट हम लोग बनाएंगे, वो मेम्ब्रेन ना ये वाली मेम्ब्रेन बेटा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. आपने देखा ना ये हमारे पास इस तरीके से थाइलाकॉइड्स हैं, ग्राना थाइलाकॉइड. इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस अंदर बाहर इस तरीके से ग्रेडियंट बनता है. देयर इज वन डिफरेंस दो हियर, द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट इज इन द ल्यूम. यहाँ पे डिफरेंस बेटा रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में डिफरेंस बता रखा है, बट आपने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर तो अभी तक पढ़ा नहीं. तो मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे और कहाँ डेवलप हो रहा है इस बात को ज़रा देखो. आप हम लोग जब इस मेम्ब्रेन को लेते हैं, ये थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है बेटा, इस तरीके से डबल लेड मेम्ब्रेन, मतलब इस तरीके से मेम्ब्रेन. थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में जो ये अंदर वाला एरिया है इसको हम लोग क्या टर्म करते हैं, ल्यूमन. पर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम इस ल्यूमन की बात करते हैं तो बेटा इस ल्यूमन के अंदर यहाँ पे एच पॉजिटिव बहुत ज़्यादा अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं. इस ल्यूमन के अंदर एच पॉजिटिव अंदर बहुत एक्यूमुलेट हो गए और बाहर जहाँ पे स्ट्रोमा था यहाँ पे एच पॉजिटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम. बाहर एच पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम, अंदर एच पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, तो आपके पास एक प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो गया. यही तो हमारी कहानी थी, ये तो हमने सीखना था, इतना समझ गए. इस तरीके से यहाँ पे इधर प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो जाता है एच पॉजिटिव की वजह से. आगे देखते रहो. लेट अस अंडरस्टैंड, हम अब समझने की कोशिश करते हैं व्हाट कॉजेस प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. अब मुझे समझना है कि इधर अंदर ज़्यादा है इधर बाहर कम है, इतना कह दिया, लेकिन क्यों? ये बातें जो मैं एनसीईआरटी के एक एक करके रीड कर रहा हूँ ना, मैं सच बताऊँ तो मैं सब आता है. जब मैं तुम्हें इसके रीज़न समझाऊँगा ना, तुम कहोगे सर ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. ये रीजन्स क्या है, क्यों इस तरीके से होता है, ये सब हम होता हुआ देखें. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेस द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनना क्यों होता है. We need to consider again the processes that take place during activation of electrons and their transport to determine the steps that cause proton gradient. Basically, आपको electron transport chain पे जाना है. अगर आप electron transport chain पे जाओ, चलो यहाँ पर आइए मेरे साथ इस पूरे के पूरे process में इस तरीके से. Let's see this diagram. इस diagram को बेटा हम लोग देखेंगे, मैं सब कुछ erase करता हूँ और दोबारा लिखूँगा ताकि आपको चीज़ें बढ़िया से अच्छे से क्लियर. ये आपके सामने एक मेम्ब्रेन बनी हुई दिखाई दे रही है, इजंट इट बेटा. अपने पास ये मेम्ब्रेन यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है, तो ये मेम्ब्रेन मालूम किस चीज़ की है, ये बात मैंने तुम्हें बताई थी. ये वाला है, ये जो आपके पास यहाँ पे इस वाले डायग्राम में मेम्ब्रेन है ना, बेसिकली ये वाली मेम्ब्रेन है, ये वाली, समझ पा रहे. तो जितने भी प्रोडक्ट्स ये थे वो मेम्ब्रेन के अंदर लोकेटेड हैं. ये जितने भी बेटा स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये सब कोई स्ट्रक्चर इस तरीके से मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्टेड है.
हैं इस तरीके से, वो मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम्स और ये सब चीज़ें मेम्ब्रेन के अंदर बैठी हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो इसके अगर बाहरले हिस्से यानी बाहरी हिस्से की तरफ देखा जाए यानी आउटर साइड देखा जाए तो अपने को बाहर मिलेगा स्ट्रोमा, इसंट इट, और अंदर की तरफ मिलेगा अपने को ल्यूमन। इतना बात समझ आ रहा है, बाहर की तरफ स्ट्रोमा, अंदर की तरफ ल्यूमन, ये वाली बात अपने को फर्स्ट क्लास तरीके से डाल। तो अब यहाँ ज़रा देखो, हम कहते हैं इस मेम्ब्रेन में एक छोटा सा हिस्सा देखा, मेम्ब्रेन का इस ग्रीन वाले पार्ट का मैंने एक छोटा सा हिस्सा देखा है, ये वाला हिस्सा, तो बाहर वाला स्ट्रोमा अंदर वाला ल्यूमन मिलेगा, देखो इस छोटे से हिस्से को, तो बाहर अपने को क्या मिलेगा, स्ट्रोमा मिलेगा और अंदर क्या मिलेगा, ल्यूमन मिलेगा। ये बात आपको क्लियर हुई, ठीक। अब आप फॉलो करते रहना स्टेप बाय स्टेप, बहुत ईजी। तब आपके पास लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन निकलता है फोटो सिस्टम टू से, इलेक्ट्रॉन आगे जाता है तो फोटो सिस्टम टू को ना भूख बहुत भयंकर लगी हुई थी, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट था, तो वाटर का स्प्लिटिंग कर देता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है, ये स्टेटमेंट डन। देखो ध्यान रखना मेरी बात, नाम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है लेकिन लाइट डायरेक्टली कभी पानी को नहीं तोड़ती, लाइट इस फोटो सिस्टम टू से इलेक्ट्रॉन निकालती है और ये फोटो सिस्टम टू के साथ मन का काला, ये तीनों जुड़े हुए होते हैं, और ये हमारा फोटो सिस्टम टू ये क्या काम करता है, ये वाटर का स्प्लिटिंग करता है, ये फोटो सिस्टम टू करेगा वाटर का स्प्लिट। तुम समझ पाए मेरी बात, इतना क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे देखो, इधर मैंने वाटर को H2O को लिया और स्प्लिट कर दिया बेटा, जब मैं H2O को लूंगा इस तरीके से आपके पास बेटा, अगर मैं स्प्लिट कर दूंगा तो मेरे पास बनेगा H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस, इस तरीके से बन जाएगा, राइट। तो यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल टूटा और 2 इलेक्ट्रॉन और 2H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन थे ये तो हमने आगे दे दिए, इधर हमने आगे पास डाउन कर दिए, मतलब पास अप कर दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब हमने यहाँ पे दे दिए, फिर इसको आगे दिए, फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन हम मूव करवा देंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव हो गया, समझ तो आती बात, लेकिन ये एच पॉजिटिव जो है यहाँ पर अपने को, ये वाला जो एच पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ये एच पॉजिटिव कहाँ पर आ गया, ये एच पॉजिटिव ह्यूमन के अंदर एक्यूमुलेट हो गया, क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग ह्यूमन में हो रही है, समझ पा रहे, वाटर का स्प्लिटिंग ल्यूमन में हो रहा है, तो H पॉजिटिव ल्यूमन में रह गया, इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। अब इलेक्ट्रॉन आगे गया और इलेक्ट्रॉन आगे जाने के बाद देखो यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन के पास गया, इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है तो प्लास्टोक्विनोन नीचे से इलेक्ट्रॉन पकड़ता है और कहता है कि अगर प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन आया तो प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, बाहर स्ट्रोमा से, इधर से स्ट्रोमा से अपने पास क्या ले रहा है, H पॉजिटिव, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन आए, उधर से 2 एच पॉजिटिव आए, उसने पी क्यू से पी क्यू एच टू बनाया और जब पी क्यू एच टू ने वापस पी बनाया तो देखो इसने अपना हाइड्रोजन साइटोक्रोम के थ्रू करते वक्त हाइड्रोजन नीचे ल्यूमन में डाल दिया, यानी स्ट्रोमा से हाइड्रोजन उठाया और साइटोक्रोम B6F के थ्रू ल्यूमन में आपके पास क्या डाल दिया गया, हाइड्रोजन डाल दिया गया। बोलो बात यहाँ तक क्लियर होती है। तो आप क्या कर रहे हो अभी तक के स्टेप में, पहले स्टेप में स्टेप नंबर 1 फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से ह्यूमन में एच पॉजिटिव ऐड किया, इस प्लास्टोक्विनोन की वजह से आपने बाहर से हाइड्रोजन उठाया उसको ल्यूमन में डाला, यानी दो टाइम में आपने सेकंड स्टेप तक ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ाया, स्ट्रोमा से कम किया। अब आगे कहानी चलती गई, इलेक्ट्रॉन मूव करता गया करता गया और देखो यहाँ पर स्ट्रोमा में NADP पड़ा है और स्ट्रोमा में एच पॉजिटिव पड़ा है, जब नीचे से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है तो NADP क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है और स्ट्रोमा में जो फ्री खाली घूमता हुआ H पॉजिटिव है, प्रोटॉन है, उसको अपने साथ कंबाइन करके NADPH बना लेता है, यानी तीसरा स्टेप स्ट्रोमा में जो फ्री H पॉजिटिव है उसका लेवल, उसका कॉन्सेंट्रेशन बेटा कम हो रहा है। ये बात आपको बात क्लियर हो रही है, देखो यहाँ पे NADP जब इसको कंज्यूम कर रहा है, इसको अपने साथ एक केमिकल रिएक्शन में मांग ले रहा है, तो जाहिर सी बात है ना इसका कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रोमा में कम हो जाएगा। तो ये तीन रीजंस, पहला फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा प्लास्टोक्विनोन का ट्रांसफर और तीसरा NADPH का फॉर्मेशन, ये तीनों चीज़ क्या करती हैं, इन तीनों में स्ट्रोमा के अंदर कम करती हैं और ल्यूमन के अंदर बढ़ाती हैं, स्पेसिफिकली ये दोनों ल्यूमन के अंदर बढ़ा रहे हैं और स्ट्रोमा से कम कर रहे हैं, और ये अकेला स्ट्रोमा से कम कर रहे हैं।
तो नेट इफेक्ट मालूम क्या होगा, नेट इफेक्ट होगा कि यहाँ पे खूब सारा एच पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा, खूब सारा एच पॉजिटिव बढ़ता रहेगा और बढ़ते 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 क्या कंडीशन होगी, बाहर आपके पास एच पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम, अंदर एच पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, एंड इसके रिस्पॉन्स में आपके पास बन जाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बन जाएगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट। जायज बात बेटा, इसकी वजह से अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है तो देखो क्या प्रोटॉन एक तरीके का केमिकल है? हाँ बोलो बिल्कुल। फिर मैं आपको बताता हूँ कि वर्ड याद करो, केमी ऑस्मोसिस क्या है? किसी केमिकल का ऑस्मोसिस यानी वाटर की तरह मूवमेंट। तो आपके पास वाटर की मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो आपके पास ल्यूमन में एच पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई और स्ट्रोमा में बहुत कम। तो अगर मैं इसको कोई रास्ता दे दूं, अगर मैं इसको कोई डोर दे दूं, कोई स्पेशल रास्ता दे दूं, तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वापस स्ट्रोमा में जा सकता है। इतना समझ गए? ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब वापस स्ट्रोमा में जाएगा, वहां जादू रखा है, वहां पर सारे के सारे गेम अटकी हुई है। लेकिन ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बना कैसे, किस किस स्टेप की वजह से बना, मुझे उम्मीद है आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो गया। अगर हो गया तो मेरे सलाह के एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर, जल्दी से इसको निपटाते हैं ताकि हम इस पूरे पोर्शन को आज कंप्लीट कर सकें। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, एंड केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आज आपको फुल टू समझ आ जाएगा। कहते हैं, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, द प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमन ऑफ थायलाकॉइड्स। जो प्रोटॉन्स बनते हैं और ल्यूमन ऑफ थायलाकॉइड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अभी फोटो नहीं दिखाऊंगा। As electron moves through the photosystems, ध्यान से देखते रहे, electron जैसे तो photosystems move कर रहे होते हैं, protons are transported across membrane, याद है प्लास्टोकेरॉन के पास बाहर से उठा के transported across membrane, this happens, अब ये statement ध्यान से पढ़ना, this happens because primary acceptor of electron which is located towards the outer side of the membrane transfers its electron not to an electron carrier but to a hydrogen carrier. Hence, this molecule removes a proton from the stroma while transporting the electron. Yani, अब आपके पास जो ये फोटोसिस्टम है, ये अपना ऐसे एक हाइड्रोजन, ये प्लास्टोकिनोन जो है एक हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर है जो साइटोक्रोम B6 के साथ मिलके एक्सटर्नली पड़ा है मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल या आउटर साइड बोलूँगा, आउटर साइड पड़ा हुआ है, और ये हाइड्रोजन यहाँ से लेता है और देखो हाइड्रोजन को इस एरो के थ्रू उठा के ल्यूमन में डाल देता है। बस ये वाली कहानी एनसीईआरटी आपसे कहना चाहती है। वर्ड ज़रा कॉम्प्लिकेटेड, टेंशन नहीं लेनी बेटा। अगर कभी भी हम इस तरीके से ये देखते हैं, कुछ चीज़ें बाहर की तरफ को होती हैं, कुछ चीज़ें मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ को होती हैं, इस तरीके से चीज़ें ऐसे चल रही हैं। साइटोक्रोम B6F, ये प्लास्टो क्यों, और ये इधर एच पॉजिटिव, ये PS2, समझ लीजिए। तो ये बाहरी तरफ, सॉरी, ये आपके पास बाहरी तरफ पड़ा है, ये भी आपके पास एक्सटर्नली, प्रिडोमिनेंटली एक्सटर्नली माना जाता है। इस तरीके से बेटा ये चीज़ें पड़ी। देखो हाइड्रोजन इस साइटोक्रोम B6F के थ्रू होते हुए यहाँ पे ल्यूमन के अंदर एक्यूमुलेट होते जा रहा है। पहला फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से हो चुका था। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अच्छे से डन, ठीक है ना बेटा? अब इसके आगे हम लोग रीड करके फिनिश ऑफ करते हैं। When this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released on the inner side of the lumen of the अंदर release होता है, आगे से वो अपना जाए। The NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane. NADP reductase enzyme is located on the किस तरफ है? ये अंदर lumen है, तो बाहर क्या है? Stroma. ये enzyme FNR जो enzyme है, NADP reductase enzyme, ये stroma की तरफ located है। तो एंजाइम एच पॉजिटिव का इसके साथ जोड़ता है, यहाँ पे कर देता है। यही बताया था आपको तीसरा, अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन्स दैट कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू PS1, द प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH प्लस एच पॉजिटिव, दीज प्रोटॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोम। तो ये तीनों प्रोसेस हुए। हेंस विद इन क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर व्हाइल इन द ह्यूमन देयर इज अ एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स। डन। This creates a proton gradient across the thylakoid membrane
as well as measurable decrease in the pH of the lumen. pH, lumen का pH कम हो जाता है, अंदर प्रोटॉन का अमाउंट बढ़ जाता है. यहाँ तक क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम क्यों इस प्रोटॉन ग्रेडियंट में इतने ज़्यादा, हम क्यों इतने ज़्यादा खुश हैं ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बन, प्रोटॉन ग्रेडियंट से हमें क्या मिल रहा है. कहते हैं वाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट. मालूम होना चाहिए इस प्रोटॉन ग्रेडियंट ही, इसी की वजह से ही बेटा हमें आगे अंदर इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ही एटीपी बनता हुआ मिलता है. यानी अगर एटीपी बन रहा है तो उसका अगर मैं आपसे कारण बोलूं तो आप कारण में कहेंगे कि एटीपी बन रहा है क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा था. बोलो बात क्लियर हो. यानी एटीपी बनना इज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन. क्यों, जरा आप यहाँ पर देखो. देखने के लिए भी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ. सिंपल से एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको इस तरीके से बोलता हूँ कि बेटा ये इस तरीके से एक डैम है, ये हमारे पास एक डैम है और डैम के अंदर मैंने इस तरफ खूब सारा पानी इकट्ठा कर लिया. अब डैम के दरवाजे बंद है, पानी इकट्ठा हो रखा. अब क्या करूँगा मैं, डैम के दरवाजे खोलूँगा. जब डैम के दरवाजे खोलूँगा तो मुझे रियलाइज होता है बेटा डैम के अंदर एक ना लोअर से एक नीचे से एक ना इस तरीके से एक रास्ता जाता है, एक वाटर पे जाता है. मैंने क्या किया, डैम के ना इस तरीके से दरवाजे खोल दिए, वाटर वे जा रहा है. अब इस वाटर वे के अंदर कंडीशन मालूम क्या है, इस वाटर वे के अंदर ना इस तरीके से एक टर्बाइन लगी हुई है और जिसमें ना इस तरीके से पंखे लगे हैं. ठीक है, जब इस वाटर वे से इस तरीके से जो पानी होता है वो पानी यहाँ यहाँ से इस तरीके से होता है बेटा, इस डायरेक्शन में फ्लो करता है ना बहुत तेज, तो ये टर्बाइन घूम, और जब टरबाइन घूम दिया तो टरबाइन घूमने से यहाँ से इस टरबाइन से क्या बनती है, एनर्जी बनती है यानी इलेक्ट्रिसिटी बनती है. यानी वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. और उस एरिया के अंदर आपके पास क्या लगा हुआ है, जिस रास्ते से निकल रहा है, यहाँ पे अपने पास ये क्या है, टरबाइन है. ये टरबाइन लगी हुई है, ये पानी इस तरीके से निकलता है, टरबाइन घूमती है और टरबाइन घूमने की वजह से रिटर्न में आपके पास क्या बन रही है, यहाँ पर एनर्जी बन के हमें दिख रही है. बोलो बात क्लियर हुई. उसी तरीके से इधर भी अपने पास ये एक टरबाइन जैसा स्ट्रक्चर ही तो है. कैसा स्ट्रक्चर है, देखो इधर, क्या आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर इधर बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है एटीपी सिंथेस, क्या अपने को दिखाई दे रहा है बेटा, ये टरबाइन की तरह. ये एटीपी सिंथेस क्या करता है कि एटीपी सिंथेस के अंदर से ये जो एच पॉजिटिव है ना, जो यहाँ पे खूब सारा एच पॉजिटिव इकट्ठा हो गया था, ये एच पॉजिटिव पानी की तरह, जैसे डैम में पानी एक तरफ इकट्ठा हो जाता है ना, वैसे इकट्ठा हुआ है. ये एच पॉजिटिव इसमें से निकलता है और एटीपी सिंथेस से निकलते हुए जब ये बाहर जाता है तो इससे एटीपी सिंथेस मूव करता है, गोल गोल घूमता है. जब एटीपी सिंथेस गोल गोल घूमता है तो उसकी वजह से एडीपी और पीआई जुड़ के क्या बना देता है, एटीपी. समझो मेरी बात, एटीपी सिंथेस अपने आप में एक मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है. ये एक आपके पास टर्बाइन जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, और जब इस एंजाइम के अंदर से हाइड्रोजन आता है और निकल जाता है, हाइड्रोजन एक टर्बाइन की तरह है, जिस तरीके से इसमें से निकल जा रहा है, जिस तरह टर्बाइन में से पानी निकलता है वैसे जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है तो जो एडीपी होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये सिंपल फॉस्फोरस के साथ जो वहाँ पे प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा, उसके साथ बाइंड करके क्या बना लेता है, एटीपी बनाता है. बोलो बात आपको क्लियर हुई, क्या ये प्रोसेस सिंपल था. इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पे यही देखो बेटा, जितना भी अपने पास एच पॉजिटिव बन रहा है, एच पॉजिटिव इकट्ठा हो रहा है, ये यहाँ से निकलता है और निकलने के रिस्पेक्ट में एडीपी और पीआई एटीपी कंबाइन करके एटीपी बना देते हैं. ये कहना था, हम जब इस एटीपी सिंथेस के पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तो इसके अंदर एक ऊपरला हिस्सा मिलता है, एक ऊपर वाली यूनिट बनती है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, एक दिस यूनिट, एक नीचे वाली, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली. ऊपर वाली यूनिट को कहते हैं सी एफ नॉट, क्लोरोफिल के साथ एसोसिएटेड है इसलिए वर्ड सी डाल दिया, और नीचे वाली यूनिट को कहते हैं CF1. तो मैं कहूँगा कि आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है ये एक CF0 है और CF1 है, इन दोनों के जॉइनिंग से बना है. जो ये वाली यूनिट है ये ट्रांस मेम्ब्रेन यूनिट है क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर है, और जो ये CF1 यूनिट है बेटा इस यूनिट को हम एंजाइमैटिक यूनिट कहते हैं, एंजाइमैटिक यूनिट, बिकॉज दिस इज द यूनिट जो रिस्पॉन्सिबल है एडीपी प्लस पीआई को जोड़ के इस चीज़ को बना देने के लिए, एटीपी को बना देने के लिए ये वाला पोर्शन रिस्पॉन्सिबल है. बात यहाँ तक धन्यवाद.
बेटा अगर बात यहाँ तक डन हुई तो इसके साथ बोला जाता है कि अब ये क्या इंपॉर्टेंट था, जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको. वाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट? दिस ग्रेडियंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट. एच पॉजिटिव का वहाँ से निकलना, ब्रेकडाउन होना, इस ग्रेडियंट का टूटना, दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. दिस ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ सी एफ नॉट ऑफ द एटीपी सिंथेसिस. इसका जो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल आपको बोला ना, ट्रांस मेम्ब्रेन यूनिट, ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है इसमें से निकल के एटीपी सिंथेसिस से होते हुए बाहर निकलते हैं. The ATP synthase enzyme consists of two parts called as CF0 embedded in the thylakoid membrane, transmembrane unit, that forms a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of proton across the membrane. Membrane ka wahan se nikal sakta hai. Dekho, membrane mein kisi aur jagah se H positive nahi nikal sakta, yahi se nikal sakta. Isliye facilitated diffusion. The other portion is called CF1 and protrudes to the outer surface of thylakoid membrane. Protrudes मतलब बाहर की तरफ को निकला हुआ है. The breakdown of gradient provides enough energy to cause conformational change in CF1 particle of the ATP synthase, which makes the enzyme synthesize several molecules of energy by ATP. कुछ नहीं है जब ये इसमें से निकल रहा है. देखो यहाँ पे इसको ऐसे बना देते, this is CF1, this is CF0. जब यहाँ से ये अपना इस तरीके से H पॉजिटिव बेटा इसमें से निकलता है ना, तो CF1 इस तरीके से घूमने लगता है, CF1 इस तरीके से घूमने लगता है. ये घूमते हुए स्ट्रक्चर्स आपको सेल चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट में जो वीडियो दिखाई थी उसमें आप लोग देखेंगे. आपको जहाँ वहाँ पर घूमते हुए स्ट्रक्चर दिखाएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि मैं इन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा था. इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ATP सिंथेस कहते हैं क्योंकि ATP को सिंथेसाइज करते हैं. यहाँ से H पॉजिटिव जाता है, जब यहाँ से H पॉजिटिव निकलता है तो इसके रिस्पांस में जो ये CF1 यूनिट है एक इसका कन्फर्मेशनल चेंज होता है और ये ATP का फॉर्मेशन कर देती है. समझ गए? केमी ऑस्मोसिस रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन, अ प्रोटॉन पंप. ओके, मेम्ब्रेन है ल्यूमन, थायलाकोइड की मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप हमारे पास है, अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, यस, एंड ATP सिंथेसिस. द एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन to create a gradient or high concentration of proton within the thylakoid lumen. A line pe focus karo beta. A line confusing hai, jaldbaazi mein niptani nahi. The energy is used to pump protons across the membrane to create a gradient or high concentration of proton within the thylakoid lumen. Lumen ke andar इस एरिया में H पॉजिटिव बढ़ाने के लिए मुझे बाहर से H पॉजिटिव अंदर की तरफ पंप करना है. तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एच पॉजिटिव को बाहर से अंदर पंप करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है. ये एनसीईआरटी कहते हैं. इस बात को मैं सिंपल शब्दों में तुम्हें ये समझाता हूँ कि देखो भैया प्लास्टोक्विनोन को भूख लगी थी, उससे ज़्यादा साइटोक्रोम B6F को लगी थी, फिर प्लास्टोसियानिन को लगी थी, यही हो रहा था. तो जब इलेक्ट्रॉन एक से आगे दिए जाते हैं फिर एक से आगे दिए जाते हैं तो कहानी कैसी थी? एक कहानी कुछ इस तरीके से थी कि समझो इसको एक कहानी से समझो, आपको कभी दिमाग लगाने की टेंशन ही नहीं होगी. इसको समझो कि किसी को तुम्हें भूख लगी है, तुमसे ज्यादा कोई और भूखा है, तुम अपना एप्पल उठा के उसको दे देते हो तो उसकी भूख मिट गई, तो उसने क्या किया, तुम्हें आशीर्वाद दिया यानी एनर्जी दी. यानी जब ये प्लास्टोक्विनोन आगे पास डाउन करता है, इलेक्ट्रॉन पास डाउन करता है, तो सामने वाला एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के रिस्पॉन्स में एनर्जी निकालता है और उस एनर्जी को यूज किया जाता है एच पॉजिटिव को बाहर से अंदर पंप करने के लिए. दोबारा बोलता, जब प्लास्टोक्विनोन से नीचे से प्लास्टोक्विनोन से आगे 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 इस तरीके से बढ़ता है ना बेटा, तो आपके पास ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, खुद ब खुद होता है. ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद है, और इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी निकलता है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान एनर्जी निकलता है. तो उस एनर्जी को यूज किया जाता है बाहर के एच पॉजिटिव को अंदर भेजने के लिए, और जब ये अंदर का एच पॉजिटिव इससे बाहर निकलता है तो ये एटीपी बन जाता है. तो टेक्निकली इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो एनर्जी हमें ऑब्टेन हुई उसको, उस एनर्जी से मैंने H पॉजिटिव बनाया और H पॉजिटिव से ATP बनाया. तो अगर मैं डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करूं, इस एनर्जी को डायरेक्टली मैंने केमिकल एनर्जी ATP में कन्वर्ट कर दिया. यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की
उस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से, उस एनर्जी को मैंने चैनलाइज करके एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। स्टेटमेंट समझ आया? पक्का क्लियर? तो द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी व्हिच वी कॉल एज एटीपी फुल स्टॉप। बट द क्वेश्चन इज, ये एटीपी बना तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की एनर्जी से बना, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से आई, तो भैया इलेक्ट्रॉन क्यों मूव किया? क्योंकि लाइट एनर्जी है। यानी मैंने फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी, अल्टीमेटली लाइट एनर्जी को इस्तेमाल किया, उससे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की एनर्जी बनाई, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की एनर्जी से एच पॉजिटिव बनाया, और एच पॉजिटिव से एटीपी बनाया। यानी लास्ट स्टेप एटीपी, फर्स्ट स्टेप लाइट का कमी। तो लाइट, इनकमिंग लाइट की एनर्जी को यूज करके फाइनली मैंने केमिकल एनर्जी एटीपी बना डाला, और ये था पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन वाला प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझे? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यू आर कैप्चरिंग द लाइट, द सन लाइट, सन की एनर्जी कैप्चर कर रहे हो, लाइट एनर्जी कैप्चर कर रहे हो, और उसको इस्तेमाल कर रहे हो केमिकल एनर्जी फॉर्म कर लेने में। और यहाँ पे इसके साथ साथ पूरा का पूरा आपके पास केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कंप्लीट होता है। फिनिश करते हैं। एटीपी सिंथेस हैज अ चैनल दैट अलाउज द फ्यूजन ऑफ प्रोटॉन बैक टू द मेम्ब्रेन। This release enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyze the formation of ATP. CF0 और CF1 के बारे में बात करी है। CF0 से जब निकलता है तो CF1 घूमता है और ATP बन जाता है। Along with NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma. ATP बन चुका है और बन चुका है NADPH, दोनों चीज बन चुकी है। NADPH आपके पास स्ट्रोमा की तरफ बना है, ATP आपके पास स्ट्रोमा की तरफ बना है। यानी स्ट्रोमा में NADPH और ATP दोनों स्ट्रोमा के अंदर है। देखो ATP यहाँ नहीं है, ATP उधर यहाँ है, तो ATP भी बाहर, NADPH भी बाहर। अब इन दोनों को मुझे इस्तेमाल करना है इन द डार्क रिएक्शन। याद करो, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस आर अल्टीमेटली यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन। ये स्टेटमेंट सही होता है? तो हमने लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स लेंगे, डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे। कैसे, क्यों और कब, ये वाली कहानी हम देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो आज के लिए बेटा इतना ही। खूब मन लगा के पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, खुश रहो। जय हिंद।